दोस्तों अभी हम आए हैं बोमडिला नेशनल पार्क में। लोकेशन बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, तरह तरह के जानवर देखने को मिले और यहाँ तक की जर्नी बहुत ही सुंदर थी। तो चलिए इस ब्यूटीफुल जर्नी को शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। दोस्तों नेशनल पार्क की एंट्री की पेमेंट वगैरह हमने कर दी है, पर एंट्री की जो जगह है उसके जस्ट पीछे इतनी सुंदर लोकेशन है कि मैं यहाँ तक आ गया। तो आप लोग को ये पॉइंट दिखाऊँ, वहाँ बहुत ही सुंदर झरना है, मैं तो इसे झरना ही कहूँगा क्योंकि पहाड़ से नीचे पानी आ रहा है। देखने में बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है ये नज़ारा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं निकला हूँ गोवा के ट्रिप में। तो आज हम लोग के काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। पहला प्लान है बांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कैप्चर करने का, और उसके अंदर क्या क्या है, कौन सा स्पेशल जानवर है, वो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो मैं चीज़ें करता हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो ऐसे और भी ब्लॉग्स आएंगे। तो ये जर्नी शुरू हो चुकी है, मेरे होटल से मैं निकल चुका हूँ सुबह के 8 बजे, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम पूरा एकदम अपने तूफान पर है। तो देखिए आप लोग को मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट करता रहूँगा जो जो चीज़ें मेरे साथ होती हैं, और हम क्या ब्रेकफास्ट खाने वाले हों, और जर्नी कैसी रहती है, और कैसी रहेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर हमारी एंट्री वगैरह। तो चलिए इन्जॉय करते हैं इसको, और हमारी जर्नी अब शुरू होती है सुबह के 8 बजे। अभी हमने लिया है अपना पहला ब्रेक, पहला हॉल्ट, और लोकेशन बहुत सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं पीछे एक तालाब है और उसके पीछे माउंटेन, और उसमें फॉगी वेदर, बहुत मज़ा आ रहा है गोवा की जर्नी में। अभी हम लोग एक हाईवे में, पीछे आप देख रहे हैं पूरा एकदम शानदार नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। आप देख सकते हैं आसपास कोकोनट ट्री, और वो है मेरी गाड़ी जिससे मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, वैगनार है एक, इसे हमने रेंट पे लिया था। इसका रेंट हमें पड़ा है 1100 पर डे के हिसाब से। पेट्रोल वगैरह हमें खुद डालना है, बाकी गाड़ी वगैरह आसानी से रेंट पे मिल जाती है। देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है, मज़ा आ रहा है इस जर्नी पे। आप लोग को कैसी लग रही है ये जर्नी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अभी हम लोग खाने के लिए एक जगह रुके थे जहाँ खाना बहुत ही अच्छा था। हम लोग ट्राई करना चाहते थे कि गोवा का लोकल फूड कैसा होता है, इसलिए जानबूझ के हम लोग रुके थे उस जगह पे। हालांकि वहाँ मैंने वीडियो शूट नहीं किया, पर खाना बहुत ही बढ़िया था। आप लोग देख सकते हैं, पाव हमने लिया था उसके साथ, यहाँ की ट्रेडिशनल सब्जी हमें प्रोवाइड की गई थी, बहुत ही बढ़िया खाना था। और अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर पानी बरस रहा है, और अब से कुछ ही समय में हम लोग पहुँचेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ से वो दूर है अराउंड 8 किलोमीटर, तो हमें लगभग 15 मिनट से 20 मिनट लगने चाहिए वहाँ पहुँचने के लिए। आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है और रोड की क्या हालत हो गई है।
दोस्तों फाइनली हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं, पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके कारण हमें एंट्री वाले ने कहा है कि थोड़ी देर रुको, वही टिकट लेके और बाकी चीज़ें लेके हमारे पास आएगा, और तभी हमें पता चलेगा यहाँ के चार्जेस क्या हैं। देखते हैं वो कब हमारे पास टिकट लेके आते हैं। हमें बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वो प्रिंटिंग में लगे हुए हैं और यहीं पर आके देंगे हमको। बैक साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक वाटरफॉल है, छोटा सा ही वाटरफॉल है, मतलब पानी पहाड़ से उतर के जो आ रहा है वही एक नदी जैसा फॉर्मेशन कर रहा है छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पर पानी इतना ज़्यादा बरस रहा है कि मैं आपको दिखा नहीं। दोस्तों नेशनल पार्क की एंट्री की पेमेंट वगैरह हमने कर दी है, पर एंट्री की जो जगह है उसके जस्ट पीछे इतनी सुंदर लोकेशन है कि मैं यहाँ तक आ गया। दोस्तों आप लोग को ये पॉइंट दिखाऊँ, वहाँ बहुत ही सुंदर झरना है, मैं तो इसे झरना ही कहूँगा क्योंकि पहाड़ से नीचे पानी आ रहा है, देखने में बहुत ही ज़्यादा गजब लग रहा है ये नज़ारा। पानी बरस रहा है लगातार इसलिए मेरे बाल सब गीला हो चुके हैं, कपड़े वगैरह, पर मज़ा बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है ये देखने में। वो खड़ी है गाड़ी जिससे मैं आया हूँ, ये है एंट्री की जगह, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। चलिए अब एंट्री करते हैं पार्क में और देखते हैं जगह कैसी है। बारिश ज़्यादा हो रही है तो शायद है कि हम एनिमल्स के पास भी ना जा पाए आज। बहुत ही सुंदर लोकेशन है दोस्तों, ऐसे मौसम में भीग कर बारिश में वॉक करना और जब आपके आसपास इतने सुंदर सुंदर झरने हो तो मज़ा ही आ जाता है। छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं लेकिन बहुत बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत मज़ा आ रहा है इस जर्नी में। आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जू में एंटर करने के बाद पहले हमें देखने को मिला एमू, लेकिन वो बारिश के कारण छुपा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा है, तो बाकी के एनिमल्स को चल के डिस्टर्ब करते हैं, उनसे मिलते हैं। इस तरफ देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बारिश लगातार हो रही है, और ये रहा हिरन, प्यारा सा हिरन। दो हिरन है मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में। बारिश लगातार हो रही है आप देख सकते हैं, देखिए पानी भी कैसे बह रहा है नॉन स्टॉप, दोनों तरफ रोड के पानी ही पानी है। चलते हैं आगे की ओर और पूरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो मैं पूरा भीग चुका हूँ, शक्ल से आपको पता चल रहा होगा। यहाँ है जंगली कैट हमारी, काफी बदबू मार रही है, वैसे लगता है काफी दिनों से नहाया नहीं इसने। गुस्से में ना आ जाए। चलिए चलते हैं यहाँ से, आगे के और जानवर हैं उनको देखते हैं कैसे हैं वो। एक यहाँ पे सो रही है लग रहा है। दोस्तों इस जगह पे है हमारे प्यारे मोर जो कि इस बड़े से बाड़े में बंद है, खैर इनको प्रिजर्व करने के लिए इनको बंद किया गया है इनकी सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ इस जगह पे ये बाकी जानवरों से घुल मिल के रह रहे हैं। आगे जैकाल भी हमें देखने को मिलेगा, देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ लिखा तो हुआ है बोंदला जू जैकाल, अब जैकाल है कहाँ पे, चलते हैं जैकाल के पास देखते हैं जैकाल कहाँ है। रास्ता देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, देखिए चारों तरफ उसके पानी भर रखा गया है सेफ्टी के लिए ताकि वो बाहर ना आ पाए,
और वो इस बरसते पानी में कहीं सेफली रखा गया होगा, इसलिए शायद वो यहाँ पे नहीं है अभी। दोस्तों यहाँ पे भालू भी था पर बारिश के कारण वो छुपा हुआ है। मेरे जू के कर्मचारियों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया जेकल और भालू ज़्यादा बारिश के कारण छुप गए हैं। ऑब्वियसली वो लोग भी भीगना नहीं चाहेंगे, पर हम लोग को भीगते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि ये चीज़ें हम डेली डेली करते नहीं हैं। देखते हैं क्या होता है, मज़ा तो बहुत आ रहा है। रास्ता देखिए कितना गीला हो चुका है, शूज़ सब गीले हो चुके हैं, पौधे गीले हैं। यहाँ पे लियोपार्ड को होना चाहिए जो कि बारिश के कारण वो भी छुप चुका है। नहीं नहीं लियोपार्ड बाहर है, वो घूम रहा है। कहाँ? ये है लियोपार्ड, इसका बाहर, ये बाहर ही घूम रहा है। ये हमारी बड़ी बिल्ली है, इसका अंदर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। ले, बारिश अचानक से तेज हो गई तो वो वापस से घुस गया अपने पिंजरे में। बाहर निकलने की उसकी कोई इच्छा नहीं है अब। वो कह रहा है आप लोग अकेले घूमो, मैं बोर हो गया बाहर भीग के। और बीचों बीच ब्रिज के ये शानदार से झरना है। मुझे हर चीज़ झरना ही लगती है क्योंकि पानी मेरे लिए बहुत, मुझे पानी बहुत पसंद है। दोस्तों अभी हम हैं बोंडला जू में और हमारे पीछे है गौर जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। लोकेशन बहुत सुंदर है, आप ऊपर फॉग देख सकते हैं, इधर हरियाली ही हरियाली और इतनी सारी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमने कुछ समय पहले देखा था क्रोकोडाइल और अभी देख लिया उसका खाना। जब भी नेशनल ज्योग्राफी या वाइल्ड लाइफ चैनल देखते हैं तो अक्सर यही लोग उसका शिकार बनते हैं। और अभी दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है पर दोनों अपनी अपनी जगह सेफ हैं, इसीलिए सेंचुरी को बनाया जाता है, नेशनल पार्क को बनाया जाता है ताकि ऐसे जानवर को प्रिजर्व किया जा सके और सेफ रखा जा सके और हम जैसे टूरिस्ट भी इनको देख सकें रियल लाइफ में। रपटा उड़ा है, अरे देखो रपटा उड़ा है। बहुत ही सुंदर लोकेशन है और महादेव की टी शर्ट से फ़ोटो बहुत अच्छे आ रहे हैं। महादेव की भक्ति में ये लोकेशन और भी अच्छी लग रही है।
वैसी फीलिंग आ रही है जैसे हम कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हो। सामने पहाड़ है, फॉगी वेदर है। अगर आपको टी शर्ट अच्छी लगी तो आप भी इसे देसी यांत्रा से खरीद सकते हैं। मेरा नाम का कोड डालिए सत्य और आपको 50 रुपीज़ का ऑफ वहाँ मिल जाएगा। खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से उसे देख सकते हैं। लोकेशन बहुत गजब है। काफ़ी देर से हम लोग चल रहे हैं ढूंढते हुए प्लेसेस को। यहाँ पे काला हिरन हमें देखने को मिलेगा, उसकी तलाश में। बाहर सामने जो पहाड़ है उसमें फॉग जैनी हमारा कोहरा छाया हुआ है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर वो कैमरे में कवर कर पाया मैं तो ज़रूर से आपको दिखाता हूँ। सारे हिरन तो दूर भाग गए। यहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे हिरन मस्ती कर रहे हैं और वहाँ दूर पे है ब्लैक वाला हिरन, काला हिरन हमारा। सींग है उसकी बहुत गजब लग रही है। पता नहीं ये पास कैसे आएंगे, खाना तो हम लोग इन्हें दे नहीं सकते और डिस्टर्ब करना भी इन्हें चाहते नहीं। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और क्या बचा है इस एरिया में अभी देखने के लिए। आ गए हम उस प्लेस पे जहाँ से काला हिरन पास से देखने को मिलेगा। शांति से चलते हैं उसके पास। ये रही वो जगह और हमारे सामने है प्यारे प्यारे सुंदर हिरन, ब्लैक बक, ब्लैक बक्स। आप लोगों ने सलमान खान जी का जो केस हुआ था उसके बारे में तो सुना ही होगा, जो ब्लैक बक को उन्होंने मारा था कि नहीं मारा था। इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि इस केस में वो फंसे थे। सामने है वही हिरन जिसकी प्रजाति बहुत कम हो चुकी है भारत में, इसलिए उसे और सेफ रखा जा रहा है और इसी के केस में वो फंस गए थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये बोमडिला जू की जर्नी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही मैं जू से निकला इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी कि मैं जल्दी से कार में घुस गया और हम लोग जू से निकल गए ताकि आगे की जर्नी और आगे की कुछ चीज़ों को कवर कर सकें हम लोग आपके लिए। ये मेरा पहला ट्रायल था ट्रेन जर्नीज और ट्रेन वीडियोस को छोड़कर पर्सनल लाइफ के ऊपर ब्लॉग बनाने का। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें पसंद आ रही कि नहीं। अगर आप लोग को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मैं आप लोग के लिए ये चीज़ें और करूँगा, क्योंकि ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोग से भी इन चीज़ों को शेयर करूँ। अगला मेरा टारगेट मेरे मन में है कि मैं जुआरी ब्रिज, जो कि बहुत ही सुंदर ब्रिज है गोवा का, वहाँ से जनशताब्दी या किसी भी ट्रेन को स्पॉट करूँ और वो वीडियो आप लोग से शेयर करूँ। तो मैं उस जर्नी के लिए निकल रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ और मैं अगर जनशताब्दी को कवर करता हूँ तो अगले आने वाले पार्ट में आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं किसी ट्रेन को स्पॉट करने जाता हूँ या किसी सुंदर से बीच में जाऊँगा और मैं वो वीडियो भी आप लोग के लिए लेकर के आ पाऊँगा। आज के वीडियो यहीं पे एंड होता है। वैसे फिर मिलते रहेंगे बहुत सारी जर्नीज में, बहुत सारी सुंदर सुंदर ट्रिप्स में। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।